अच्छा प्लीज बैठ जाइए। बताइए क्या सर, प्रॉब्लम है मुझे ये आपको। कंधे में बहुत दर्द होता है और मेरा सिर भी दुखता है और ये कंधे में यहाँ से यहाँ तक पेन आता है। अच्छा मोस्टली आपको राइट साइड में ही पेन रहता है। यस सर। एक बार खड़े होइए आप। ये शोल्डर आपका अप है या डाउन है? ठीक है बैठ जाइए। मेन प्रॉब्लम क्या है आपका पता है? जी सर। कैसे ये जो पेन आपको शोल्डर का और जो हेडेक हो रहा है कैसे रिजॉल्व होगा है? सिर्फ एक हैबिट चेंज करने से। कौन से? ये पर्स हटा देंगी ये सॉल्व हो जाएगा। यस एक पर्स। आप लोग भी ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि सिर्फ एक पर्स की वजह से आपको शोल्डर पेन और हेडेक, नेक पेन, बैक पेन, ये सब चीजें हो सकती है। कैसे? सिर्फ एक कंधे पे बैग टांगने की वजह से। कैसे? जैसे मैडम ने अपने कंधे पे बैग टांगे, मैम अपने कंधे पे बैग टांगा है ऐसे, तो ऑटोमेटिकली ये शोल्डर अप हो गया, ये डाउन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ब्रेन से शोल्डर के मसल्स के पास मैसेज आया कि भाई ये जो पर्स है कहीं गिर ना जाए, इसलिए ये शोल्डर ऑटोमेटिकली ऐसा एलिवेट हो गया। ये एलिवेट होने से क्या क्या हो सकता है? ये जो कंधे की मांसपेशियां है ये ट्रेपेजियस कंटिन्यूस ओवर फायर कर करके सूज जाएंगी, इनमें स्वेलिंग आएगी, यहां पेन रहेगा, उसकी वजह से ये सर्वाइकल डिसफंक्शन में जाएगी। सर्वाइकल डिसफंक्शन होगा, C1 C2 का डिसफंक्शन होगा, हेडेक हो सकता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो हो सकता है, और क्या हो सकता है? अपर बैक पेन हो सकता है, लो बैक पेन हो सकता है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकती है और लंबर रेडिकुलोपैथी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक गलत आदत की वजह से आपने कई सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया। इसलिए बेहतर क्या रहेगा कि मैडम आप एक कंधे पर बैग टांगने की बजाय इसको ऐसा क्रॉस डाल लीजिए। जी सर। ठीक है, अगर आप ऐसा क्रॉस बैग डालेंगी तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी तो सर। या तो आप बैग ऐसा क्रॉस डाल लीजिए, या आपके पास बैकपैक है तो दोनों कंधों पे डालिए, या ऐसा आपको क्रॉस नहीं डालना है तो हाथ में होल्ड करके चलिए। फायदा क्या क्या होंगे? ना तो आपको शोल्डर का पेन होगा, ना नेक पेन होगा, ना सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ना लंबर रेडिकुलोपैथी, ना अपर बैक पेन, ना लो बैक पेन। ठीक है, तो एक आदत बदल के आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं।